पांच मिनट में फटाफट खबरें देखी आपने, अब तक की दिन की तमाम खबरें। और अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत बंद के दौरान बिहार के गया में बड़ा हंगामा हो गया है। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज बाकायदा किया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के गया की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हंगामा कर रहे लोग, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे ये लोग, जिन पर बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले फेंक काबू पाया। जब पथराव ज्यादा बढ़ गया उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए। देखिए कैसे लाठियों से पीट रही है पुलिस, पुलिस की टीम पूरी तरह एक्शन में, हवाई फायरिंग भी पुलिस की तरफ से की गई। ये प्रदर्शनकारी जो बेकाबू होते चले जा रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे, आगजनी पर उतारू थे, और ऐसे में गया में हालात काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों को बाद में तितर बितर करने के लिए लाठियां भी बरसाई। तो आज सवर्णों का भारत बंद, जिसका सबसे ज्यादा असर अगर देश के किसी राज्य में देखा जा रहा है तो वो बिहार है। आज जो सबसे ज्यादा तस्वीरें आ रही हैं भारत बंद के दौरान हिंसा की, वो बिहार से आ रही हैं, जहां प्रदर्शनकारी रुक रुक कर राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर उनका प्रदर्शन जो है वो हिंसक भी हो रहा है। ऐसी तस्वीरें गया से सामने आई, जहां बाद में पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की और ये देखिए लाठियां भी बरसाई गई हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। तो बिहार के गया में ये लाठीचार्ज भी हुआ है। दो तस्वीरें, दोनों तस्वीरें बिहार के गया की आपके सामने हैं। एक तरफ भीड़ का हंगामा आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ उस पर काबू पाने के लिए पुलिस टीम एक्शन में। तो 2 अप्रैल को दलितों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था और आज उसके जवाब के तौर पर देखा जा रहा था सवर्णों के इस भारत बंद को। सवर्णों के इस भारत बंद को देखते हुए कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट राज्य सरकारों के लिए जारी कर दिया गया था कि वो पहले ही एहतियातन कदम उठा लें ताकि हालात काबू से बाहर ना हो। और आज जो हालात बेकाबू की तस्वीरें हैं, अगर वो देश के किसी राज्य से सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं तो वो राज्य है बिहार। बिहार के ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, आरा, कैमूर, छपरा, पटना सिटी तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारी हंगामे पर उतारू हैं, आगजनी भी की जा रही है, नारे भी लगाए जा रहे हैं, सड़क भी जाम की जा रही है, रेल यातायात भी ठप कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, पथराव भी किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। भारत बंद के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ हुई है, यहां एसडीएम और पुलिस को भी गश्त करने से रोका गया है। ये तस्वीरें आपके सामने बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां भारत बंद का असर देखने के लिए मिला। ये देखिए ये पेट्रोल पंप, यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जबरन पेट्रोल पंप का जो शटर है अंदर का उसे नीचे कर दिया। ये देखिए कैसे शटर नीचे किया गया, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की इन प्रदर्शनकारियों ने। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए सवर्णों का ये कथित बंद और इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में, मुजफ्फरपुर में ये तस्वीरें पेट्रोल पंप से सामने आई, जहां जबरन पेट्रोल पंप को बंद कराया गया, तोड़फोड़ की गई, कई दुकानों को भी बंद कराया गया और साथ ही एसडीएम और पुलिस की गाड़ियां जो गश्त पर निकली थी उन्हें भी रोका गया। अपना विरोध दर्ज करने के बाद इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। अब पुलिस वालों को बुलाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये पटना की बिहटा की तस्वीरें हैं। जरा देखिए यहां प्रदर्शनकारी जिन्होंने सड़क पर ये आगजनी की है, पुलिस भी मौके पर नजर आ रही है, तो यातायात ठप, आवाज उठ रही है। वो पीछे वाह
बिहार के पटना के बिहटा की ये तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, उन्होंने सड़क जाम कर दी थी। और ये देखिए, जैसे ही गाड़ियां आई, एक बार फिर से नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस की गाड़ियों को भी यहां पर रोका और जो रास्ता बंद किया हुआ था आग लगाकर सड़क पर, उसको हटा रहे थे पुलिसकर्मी। लेकिन जैसे ही कुछ गाड़ियां वहां पर पहुंची, प्रदर्शनकारी फिर से नारेबाजी करते हुए, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, समझा बुझाकर पीछे करते हुए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को जो नारेबाजी कर रहे हैं सड़क पर। और एक बार फिर से ये प्रदर्शनकारी, ये जो लकड़ है, लकड़ी का टुकड़ा है जिसे आग लगाकर सड़क उन्होंने बाधित कर रखी थी, वहीं रखते हुए ताकि सड़क बंद रहे, आवाजाही ठप रहे। पुलिस जो है वो यहां पर किसी तरीके का बल प्रयोग नहीं कर रही है, समझाने की कोशिश करती हुई बिहार पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को, जिन्होंने सड़क यातायात ठप की हुई है पटना के बिहटा में। और देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो 14-15 साल के लड़के भी इस भीड़ में नजर आ रहे हैं नारेबाजी करते हुए, और पुलिस उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं वो लोग। सड़क जाम की हुई है, आग लगा रखी है सड़क पर लकड़ी के टुकड़ों में, ताकि सड़क यातायात जो है वो पूरी तरीके से ठप रहे। पटना के बिहटा की ये तस्वीरें। ये है ABP News, आपको रखे आगे।